Hello everyone, in this video we are going to start with trigonometry practice set 6.1 class 10th Maharashtra board. Question number 1. If sine theta is equal to 7/25, find the values of cos theta and tan theta. The value of sine theta is 7/25. ठीक है, ये हमें गिवन है. ठीक है, और क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा. ठीक है, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिटी आपको रिवाइज करवा देता हूँ. आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, और हमें यह भी पता होना चाहिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. ठीक है, और अगर हमें कॉस फाइंड करना है और टेन, ठीक है, बस इतना ही हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. उसके बाद क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं. आइडेंटिटी क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, देखते हैं आप सॉल्व करते इसको. क्या दिया है? साइन थीटा जो गिवन है वो लिख लेता हूँ. गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25. ठीक है, अब क्या करेंगे? आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. आइडेंटिटी क्या बताया हम? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें पता है कितना, 7/25 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. ठीक है, यहाँ से 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 49, और स्क्वायर ऑफ 25 इज 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. ठीक है, आगे क्या करेंगे? देखो, कॉस स्क्वायर थीटा 49/625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन. ये 49/625 है, जब इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? माइनस होगा. ठीक है, इस साइड प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, तो फिर लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस 49/625. ठीक है, अब यहाँ पे जब डिनोमिनेटर देखोगे किसका, यहाँ पे तो वन है. ठीक है, हमें क्या करना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49/625. ठीक है, नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 होता है 576 अपॉन 2625. ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा, हमें कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए. लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, अब देखो स्क्वायर है. ठीक है, जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो फिर इस राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा. ठीक है, फिर रूट के अंदर लिखेंगे 576 अपॉन 625. ठीक है, अब हमें पता है स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24. कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24 दैट सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25. ठीक है, ये हमें क्या मिला, कॉस थीटा का वैल्यू मिला. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा सॉरी टेन थीटा. ठीक है, हमें क्या करना है, टेन थीटा का वैल्यू चाहिए. टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 7/25, 7/25 अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 24/25. ठीक है, अब क्या करना है, इसे देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7/25 इंटू
ये जो 24 अपॉन 25 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, 25 अपॉन 24, 25 25 कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 24, ये हमें tan थीटा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर टू। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, sec थीटा और cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। ठीक है, फिर से आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हमें tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है, tan थीटा का वैल्यू पता है कितना, 3/4, वन प्लस tan थीटा की जगह पे लिखेंगे 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, वन प्लस स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 एंड स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, फिर लिखेंगे 16 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 16 प्लस 9 इज 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, sec थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, फिर लिखेंगे sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 16, sec थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 एंड 16 इज 4, यहाँ हमें क्या मिल गया, sec थीटा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, और क्या फाइंड करना, cos थीटा। ठीक है, हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, cos का रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, जब sec का रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, cos मिलेगा, या फिर cos का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे फिर लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, sec का रेसिप्रोकल करेंगे तो cos मिलेगा, और cos का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो sec मिलेगा। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, cos थीटा फाइंड करना, cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन sec थीटा। अब यहाँ से लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, मीन sec थीटा का जो वैल्यू मिला कितना, 5/4। यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, देयरफॉर वैल्यू ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 एंड वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, cot theta is equal to 40/9, then find the value of cosec theta and sin theta। हमें क्या find करना है, cosec theta और sin theta का value find करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से identity use करेंगे, कौन सा, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। ठीक है, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, 1 plus cot का वैल्यू हमें पता है कितना, 40/9 square is equal to cosec square theta, 1 plus 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 अपॉन 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 81 प्लस 1600 अपॉन
81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जब ऐड करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसका रूट फाइंड करना पड़ेगा। ये रूट हमें पता होना चाहिए। देखो लिखेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1681 अपॉन 81। ठीक है, अब 1681 का स्क्वायर रूट होता है 41। कैसे, देखो 41 के स्क्वायर करेंगे, जब 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, 1 के स्क्वायर 1, लेकिन टू डिजिट में लिखेंगे तो 01, 41 जा 4, 42 जा 8। हमें क्या करना, यूनिट प्लेस छोड़ करके, यूनिट प्लेस स्किप करके हमें 42 जा 8 लिखना है। ठीक है, वो भी टू डिजिट में, तो 0 और 8 लिखेंगे। ठीक है, ऐड करते हैं। अब इन दोनों को क्या करना, ऐड करना, तो फिर क्या मिला है 1681। ठीक है, मतलब ये जो 1681 है किसके स्क्वायर रूट है, 41 का। ठीक है, 41 का क्या है स्क्वायर रूट है 1681, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 9। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना, साइन थीटा। फिर हमें पता साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल करें, जब हम कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, और साइन थीटा का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक थीटा मिलेगा। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा सब लिख देते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा के, कोसेक थीटा के जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा इज कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा इज कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज सेक थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा इज टैन थीटा, एंड रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा इज कॉट थीटा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। साइन थीटा, साइन थीटा के साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। आगे सॉल्व करता हूँ, फिर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा इज 41 अपॉन 9, 41 अपॉन 9। साइन थीटा इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना, 41 अपॉन 9 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 9 अपॉन 41। ये था क्वेश्चन नंबर थ्री था ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा cos थीटा एंड sin थीटा। हमें क्या गिवन है, 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा cos थीटा एंड sin थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो फिर ये माइनस 12 दिख रहा है ना, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 cosec थीटा। ठीक है, 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 cosec थीटा, क्यों, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो राइट हैंड साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ऐसा लिखा। अब देखो ये जो नंबर है उसको क्या करो, एक साइड करना है। ठीक है, फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ sec थीटा, और ये जो राइट हैंड साइड में है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, तो फिर लिखेंगे 5 sec थीटा अपॉन cosec थीटा इज इक्वल टू 12
अब ये देखो फाइव लेफ्ट हैंड साइड में क्या मल्टीप्लिकेशन में, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, फिर लिखेंगे ट्वेल्व अपॉन फाइव, ठीक है। और सेक थीटा को क्या लिखेंगे वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जैसा है वैसे ट्वेल्व अपॉन फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, रेसिप्रोकल करना है। फिर क्या लिखोगे आप, वन अपॉन कॉस थीटा इन टू, ठीक है। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो फिर मैं ऐसा लिखूँगा साइन थीटा अपॉन वन इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे ट्वेल्व अपॉन फाइव, ठीक है। अब देखो वन इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन वन इंटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन फाइव, ठीक है। अब हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन फाइव, ठीक है। ये हमें किसका वैल्यू मिला, टेन थीटा का। अब हमें क्या करना है, सेक थीटा चाहिए ना, फिर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कौन सा, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा, ये क्या है आइडेंटिटी है, ठीक है। इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, अब सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर लिखता हूँ वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा का वैल्यू कितना है, ट्वेल्व अपॉन फाइव इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है। वन प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर कितना होता है 144, स्क्वायर ऑफ ट्वेल्व इज 144 एंड स्क्वायर ऑफ फाइव इज 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 25 प्लस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा। 144 प्लस 25 दैट इज 169 अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अभी आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ सेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 169 अपॉन 25, ठीक है। अब देखो सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अंडर रूट 169 अपॉन 25, ठीक है। और सेक थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 169 इज 13 और स्क्वेयर रूट ऑफ 25 इज 5। देयरफॉर वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 5, ठीक है। अब हमें सेक थीटा का वैल्यू मिल गया, अब कौन सा क्या फाइंड करना है, सेक थीटा कॉस थीटा। फिर लिख सकते हैं ना कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, यहाँ से लिखता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 13 अपॉन 5, ठीक है। यहाँ से लिखता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 13, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है, और 13 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। फिर से क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। लिखते हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस, हमें कॉस थीटा का वैल्यू पता है 5 अपॉन 13 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे साइन
स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड स्क्वायर ऑफ 13 इज 169 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे लिखता हूँ। यहाँ से क्या करेंगे, अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस क्या है 25 अपॉन 169, जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 25 अपॉन 169। ठीक है, अब हम क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, फिर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या लिखेंगे 169 माइनस 25 अपॉन 169। ठीक है, आगे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 169 माइनस 25 इज 144 अपॉन 169। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये मिला। ठीक है, हमें क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जब ये स्क्वायर रिमूव होगा लेफ्ट हैंड साइड में तो फिर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, रूट आएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 169, नीचे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12 एंड 169 इज 13, देयरफॉर वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 12/13, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 5/13 एंड वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज 13/5। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, टैन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये हमें पता होना चाहिए टैन थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आएगा कितना आएगा। ठीक है, कैसे पता चल पाएगा ये, देखो टैन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें क्या करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1। ठीक है, टैन इनवर्स 1, और थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, टैन इनवर्स 1, मतलब हमें टैन का वैल्यू 1 कब मिलता है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, 45 डिग्री। ठीक है, और हम डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं फ्रॉम टेबल, टैन थीटा का वैल्यू 1 कब होगा, जब टैन का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री पे, क्या होता है, टैन थीटा 1 होता है। ठीक है, मतलब हमें इन शॉर्ट क्या मिल गया, थीटा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दिख रहा है कौन सा, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है ना, तो फिर यहाँ पे लिखता हूँ, क्या दिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, देखो साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना पुट करना है, 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 45 डिग्री अपॉन सेक 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 प्लस वैल्यू ऑफ कॉस 45 इज 1/√2 अपॉन सेक 45 का वैल्यू होता है 2√ प्लस, और कोसेक 45 का वैल्यू होता है 2√। ठीक है, यह वैल्यू हमें पता होना चाहिए। ठीक है, टेबल से अब देखो आगे 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, 1+1 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन रूट 2 अपॉन, यहाँ पे 1+1 √2 + √2 कितना हो जाएगा, 2√2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, अब फिर क्या मिलेगा, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 2√2 × 1/√2
टू, ठीक है। अब देखो रूट टू, सॉरी टू टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। रूट टू इंटू रूट टू कितना, रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा वन, सॉरी रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा, ठीक है। वन अपॉन रूट टू, यहाँ पे जो वन था यहाँ पे क्या बच गया, वन इंटू वन क्या हो जाएगा वन रूट टू इंटू रूट टू टू। तो फिर हमें वैल्यू मिल गया कितना, वन बाई टू। देयर फॉर वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयर फॉर वैल्यू ऑफ साइन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू। ये था क्वेश्चन नंबर